वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में लगातार कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या जिला प्रशासन की बड़ी चिंता का कारण बनती जा रही है। आज तिनसुकिया जिले में 180 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। आज तिनसुकिया जिले में 180 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2866 हो गई है, जो कि वर्तमान जनसंख्या घनत्व को देखते हुए बहुत ज्यादा है। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस समय कोविड-19 को लेकर बेहद सतर्क हैं। सामुदायिक संक्रमण रोकने हेतु तिनसुकिया एवं माकुम नगर पालिका क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन भी जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके रोजाना सैकड़ों की संख्या में बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब डराने लगी है। बेशक कोरोना से लड़ने में हम काफी हद तक सफल हो पाए हैं, लेकिन इसे रोकने हेतु हमें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। अन्यथा वस्तु स्थिति देखते हुए जो हालात बनते जा रहे हैं, आने वाला समय उससे और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। अभी वर्तमान हालात ऐसे हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। तिनसुकिया जिला प्रशासन से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी वर्तमान समय में तिनसुकिया में कुल 2866 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो कि तिनसुकिया की जनसंख्या घनत्व के चलते वास्तव में एक बड़ा आंकड़ा है। तिनसुकिया जिले में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते आंकड़े, खासकर जिन मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वे जिला प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस प्रकार के मरीजों की पहचान करना बेहद मुश्किल है और इनके चलते सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी लगातार बनता जा रहा है। इस प्रकार लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में लगातार कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या जिला प्रशासन की बड़ी चिंता का कारण बनती जा रही है। आज तिनसुकिया जिले में 180 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2866 हो गई है, जो कि वर्तमान जनसंख्या घनत्व को देखते हुए बहुत ज्यादा है। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस समय कोविड-19 को लेकर बेहद सतर्क हैं। सामुदायिक संक्रमण रोकने हेतु तिनसुकिया एवं माकुम नगर पालिका क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन भी जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके रोजाना सैकड़ों की संख्या में बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब डराने लगी है। बेशक कोरोना से लड़ने में हम काफी हद तक सफल हो पाए हैं, लेकिन इसे रोकने हेतु हमें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। अन्यथा वस्तु स्थिति देखते हुए जो हालात बनते जा रहे हैं, आने वाला समय उससे और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। अभी वर्तमान हालात ऐसे हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। तिनसुकिया जिला प्रशासन से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी वर्तमान समय में तिनसुकिया में कुल 2866 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो कि तिनसुकिया की जनसंख्या घनत्व के चलते वास्तव में एक बड़ा आंकड़ा है। तिनसुकिया जिले में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते आंकड़े, खासकर जिन मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वे जिला प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस प्रकार के मरीजों की पहचान करना बेहद मुश्किल है और इनके चलते सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी लगातार बनता जा रहा है। इस प्रकार लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, तिनसुकिया।